कार्रवाई के लिए मशहूर इसराइल ने फिर से एक बार सीरिया पर हवाई हमला किया है। इस हमले में दो विदेशी लड़ाके समेत तकरीबन आधा दर्जन सीरियाई सैनिक के घायल होने की खबर है। दरअसल ब्रिटेन के वॉर मॉनिटर के मुताबिक इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी, लेकिन इस मिसाइल के दागे जाने के बाद किसको चोट पहुंचा है, कौन हताहत हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, इसकी भी अभी तक विस्तृत जानकारी बाहर नहीं आई है। सीरिया की सरकारी मीडिया सना के मुताबिक हमला शुक्रवार रात 9 बजे हुआ। इसराइल की ओर से T4 सैन्य एयरबेस पर मिसाइल दागी गई, जिसमें 6 सैनिक घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि इसराइल ने एक ड्रोन डिपो पर निशाना बनाया था। वहीं इसराइल के रक्षा अधिकारी ने हमले की बात मानी है, साथ ही कहा है कि हम विदेशी रिपोर्टों पर टिप्पणी नहीं करते। इसराइल ने सीरिया में ईरान से जुड़े सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों बार कार्रवाई की है, लेकिन कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया है। इसराइल को अपनी उत्तरी सीमा पर ईरानी घुसपैठ का डर बना रहा है और इसके चलते वो ईरानी बेस और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला करता रहता है। दरअसल इसराइल के सामने कई चुनौतियां हैं। फिलिस्तीन के पास जो हमास संगठन है उससे भी है, इसके अलावा जो लेबनान के जो आतंकी संगठन है उनसे भी इसे खतरा है। ऐसे में अपने देश की संप्रभुता, अपने देश की सुरक्षा के लिए इसराइल समय समय पर ऐसे कदम उठाता है जिसे बिल्कुल सही माना जाना चाहिए। दरअसल इसराइल अपने सेल्फ डिफेंस में जो जो कार्रवाइयाँ करता है उसकी आलोचना दुनिया भर में होती है, लेकिन इसराइल इस बात पर बिल्कुल सटीक खड़ा रहता है कि वो अपनी रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए आखिरी दम तक खड़ा रहेगा और वो सब कुछ करेगा जो करना चाहिए। अब जिस आतंकी संगठन की वजह से ये एयर स्ट्राइक हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। हिजबुल्ला लेबनान के शिया मुसलमानों का आतंकवादी संगठन है और राजनीतिक पार्टी भी है। ये संगठन ईरान के शिया मुसलमानों के सिद्धांतों पर चलता है। 1982 में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने लेबनान में घुसे इजरायली लोगों को मारने के लिए हिजबुल्ला की स्थापना की थी। हिजबुल्ला ईरान और सीरिया से राजनीतिक, सैद्धांतिक और सैन्य समर्थन हासिल करता रहा है। इजरायल इसलिए ईरान के इस संगठन से नफरत करता है और इनके खिलाफ समय समय पर कार्रवाई करता है। दरअसल इसराइल एक छोटा सा देश है जो कि मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। एक दौर था जब तमाम मुस्लिम देश इसराइल के खिलाफ थे और उन्होंने इसराइल से जंग छेड़ दी, लेकिन छोटे देश होने के बावजूद इसराइल ने तमाम देशों को हरा दिया और सबको घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया था।